तो मुझे ना आज हम टॉपिक शुरू करते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे स्वे फ्रेम का। लेकिन मैंने ये आपको टॉपिक समझा चुका हूँ, पर बात पता क्या है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था ना वो बहुत ज्यादा लेंथी चला गया, तो मुझे बहुत ज्यादा बच्चों के ना मेल्स आए और बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि सर ये तो बहुत बड़ा फ्रेम जा रहा है हमारा, बहुत बड़ा आंसर है सर, ये हम 1 घंटे में नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ ना तो क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं। ये बहुत ही 10 मिनट का काम होता है इन क्वेश्चन में, वो थोड़ा लेंथी चला गया था मुझे पता है, क्योंकि मुझे समझाने में 1.5 घंटा लग गया, तो आपको भी करने में करीब 45 मिनट्स तो लगेंगे। लेकिन उसके लिए मैंने बच्चों को कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ भाई मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे स्वे फ्रेम्स पे कोई इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा बुक से। और अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना जब मैं सॉल्व करूंगा, आप तो कहोगे सर वो आपने क्वेश्चन इतना बड़ा ऐसे करवा दिया, ये करवा देते पहले। तो सिर्फ 10 मिनट का है, मतलब मेरी 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी और उसमें 10 मिनट का ही काम है सिर्फ करने वाला, बाकी तो मैं आपको सब समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। लेकिन अब आप जब ये क्वेश्चन करोगे ना, आप खुद भी कहोगे कि सर ये तो बहुत ही इजी मेथड है सर, ये स्वे फ्रेम्स का तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो वाला जो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था वो मैं लिंक डाल दूंगा, आप जिसने नहीं देखा, उसमें ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा जाएगा यार, ये पेपर में होगा नहीं यार ये कुछ ऐसा। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे आप सब समझ जाओगे कि करना कैसे है। तो हम पढ़ते हैं एनालाइज दिस वे फ्रेम यूजिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है ना, ये हमें स्वे फ्रेम दिया हुआ है। अब अगर हम इसको स्वे करें तो कुछ ऐसा का स्वे होगा, ये ऐसे ठीक है ना, और ये कुछ ऐसे को जाएगा, ये कुछ ऐसा का स्वे होगा ठीक है ना, जो फोर्स लगेगी। ये स्वे फ्रेम है, नॉन स्वे नहीं है, स्वे है, स्वे करेगा ये डिफ्लेक्शन से ना, स्वे करेगा ठीक है ना, ये डिफ्लेक्शन से ऐसे स्वे करेगा। तो नॉन स्वे तभी होता है अगर ये चीज ना लगी होती है, रोलर अगर ना लगा होता है ऐसे सीधा होता है, या फिर यहाँ पे भी 12 किलो न्यूटन की लगती है तो होता। तो अब हमें मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में देखो, मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में आपको सारे स्टेप समझाए थे कि कैसे 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 करते हैं, सारे मैंने अपने स्टेप 6 के 6 समझाए थे आपको। आपको अगर देखने था वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से भी अगर शुरू करोगे तो कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, पर फिर भी आप एक बार वो देख लेना। तो अब आप स्टेप 1, अभी हम ये एनालाइज करें, हमने ये स्वे फ्रेम है ना, ABC स्वे फ्रेम है। तो अगर हम इसे एनालाइज करें, जैसे स्टेप 1 है एनालाइज द फ्रेम एज नॉन स्वे, ऑब्टेन फाइनल एंड मोमेंट्स। अब आप देखोगे तो इसमें कोई बीम पे, जैसे AB कॉलम है, इस पे कोई मूवमेंट लग नहीं रही ना, ही BC पे लग रही है, BC पे इस तरफ को लग रही है ना, ऐसे तो नहीं लग रही ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं लग रही ना, सारी वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल का तो आपको पता ही, हम फिक्स एंड मूवमेंट्स ले ही नहीं सकते। तो वर्टिकल अगर तो जॉइंट्स पे होती है तो कभी फिक्स एंड मूवमेंट्स नहीं निकलती, हमेशा यहाँ पे निकलती है, जैसे कि यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे, तो उसके लिए जॉइंट्स पे कभी फिक्स एंड मूवमेंट्स नहीं निकलती होती। तो हमारा मतलब कि फर्स्ट स्टेप तो हमारा कैंसिल ही हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखें स्टेप 1 फिक्स एंड मूवमेंट्स 1 हो गई नहीं, हमारी कोई होगी नहीं है मूवमेंट, ठीक है ना, मतलब कि हमारा एक टेबल तो कम ही हो गया। अब आप पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे जो मैंने पहले समझाया हुआ है, उसमें तो बहुत बड़ा टेबल वो बन जाता था, तो इसमें तो एक टेबल मतलब कि कैंसिल ही हो गया, एक टेबल तो कैंसिल हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। तो उससे हमारा देखो एस एक्चुअल, अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 है हमारा HA+SD+PA इक्वेशन होती है स्वे फ्रेम्स की, यूजिंग दिस फिक्स एंड मोमेंट फर्स्ट, मतलब ये जो हमने ऑब्टेन करते होते हैं नेट शियर फोर्स निकालने होते हैं, जो कि हमारा एस एक्चुअल होता है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे, इसमें हमारा एस एक्चुअल यही रह जाएगा 12 किलो न्यूटन, मतलब कि अगर हम स्टेप 2 पे देखें, यहाँ पे हम एस एक्चुअल निकालते होते हैं स्टेप 2 में, क्योंकि यहाँ पे लगता होता है ना एस एक्चुअल, जैसे मैंने अब इसमें तो दिखाया नहीं हुआ आपको कहीं, इसमें से ये एस एक्चुअल लगेगा हमारा ठीक है ना, ये देखो ये दिखाया हुआ मैंने एस एक्चुअल, यहाँ दिखाया, चलो इस तरफ से दिखाया, तो ये एस एज्यूम्ड हो जाता है ना, तो ये चीज हो जाती है ना, अगर मैंने एस एक्चुअल यहाँ से दिखाया, तो एस एक्चुअल तो हमें यहाँ पे निकालना होता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा एस एक्चुअल कितना है, हमारा एस एक्चुअल है 12 किलो न्यूटन, मतलब कि हमें एस एक्चुअल तो चलो दिया ही हुआ है। हमारा देखो स्टेप 2 ही बहुत कम हो गया, मतलब ये 5 मिनट 2 मिनट की कम बात था, फिक्स एंड मूवमेंट हमें पता नहीं है, तो एस एक्चुअल जो हमारे लगा हुआ है फोर्स वही हमारा एस एक्चुअल। अब थर्ड स्टेप होता है हमारा रिमूव ऑल लोड जस्ट अप्लाई स्वे मूवमेंट्स। अब ये जंक्शन वाला काम आ गया जो कि रेशियोज में हमारा चलता है। देखो मैं अगर दिखाऊं तो आपको क्वेश्चन में मैंने कहीं भी रेशियोज वगैरह नहीं दी हुई है ना, तो मतलब हमें खुद से इलेक्ट करनी पड़ेंगी रेशियो वगैरह। अगर आप देखोगे तो अब ये वाला हम साइड रख देते, हम सीधा हम रेशियो पे आते हैं ठीक है ना। अब हमारा अब इस पे आते हैं, अब जैसे देखो अगर हम इस पे ऐसे मूवमेंट लगाए,
एमए कितनी लगती है हमारी, आपको पता ही है सारी मूवमेंट्स हमारी, 6EI, 6EI डेल्टा बाय L1 स्क्वायर, है ना। हमारा कुछ ऐसे लगता है ना, हम लेट इसे हम 20 ले लेते हैं, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन मीटर हमने ले ली, ठीक है, लेट करा है, ये सब लेट का चल रहा है। आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था हम ये लेट करते हैं, अजम्पशन होती है हमारी, अजम्पशन होती है ना। तो अगर AB में अगर समझो MA ये लिया, मतलब ये MAB लिया हमने लेट, ये हम ए भी लिया, तो मतलब कि अगर आप देखोगे ए से बी में हमने ये लिया, तो बी से ए में भी तो सेम ही रहेगा ना, ये बी से ए भी हमारी 20 किलो न्यूटन मीटर ही रहेगी ना रेशियो, तो ये यहाँ तो इक्वल ही होते हैं ना, ये तो इसके रिस्पेक्ट में लग रही है, तो एक ही कॉलम में तो मूवमेंट्स तो सेम होती है, तो यही तो लगना था। अब आप बीसी में देखोगे तो बीसी पे तो लगता ही नहीं होता, बीसी पे तो है ही नहीं कोई, तो जीरो है बीसी पे, तो मतलब कि बीसी पे रोलर स्पोर्ट है ना, तो यहाँ पे जीरो है, तो मतलब कि हमारी एमए भी, जैसे हमने स्वे फ्रेम है, हम स्टेप थ्री कर रहे हैं ना, देखो हम स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, स्वे मूवमेंट्स लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं हम, अजम्पशन जस्ट अप्लाई स्वे मूवमेंट्स, हम एज्यूम स्वे मूवमेंट्स, मैं ये आपको समझा चुका हूँ पहले भी, हम स्टेप थ्री में हम हमेशा एज्यूम करते हैं स्वे मूवमेंट्स, ठीक है ना, स्वे मूवमेंट्स हम एज्यूम करते हैं। तो अगर हमने यहाँ एज्यूम क्या करिए, स्वे मूवमेंट्स यहाँ पे हमने करिए, देखो MAB भी हमने 20 ले ली, 20 किलो न्यूटन मीटर, तो MBA भी अकॉर्डिंगली वही हो जाएगी ना सेम, तो MBA भी हमारी सेम 20 किलो न्यूटन मीटर। तो अब आप देखोगे कि अब हमारी ये सेम होगी ना, MAB और MBA, चलो ये तो होगी, अब BC वगैरह मतलब कुछ नहीं है, तो MBC 0 और MCB भी 0, ठीक है ना, ये हमारी सेम मोमेंट है, सारी अजम्पशन है, अजम्पशन है ये हमारी, ठीक है ना, ये आपको पता ही है, आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये स्टेप थ्री, मतलब कि स्टेप थ्री हमारा कुछ 10 मिनट्स में खत्म हो गया, हमने सब ये भी ले लिया, अजम्पशन भी ले लिया हमने, ये भी कर लिया, हम सबने कर लिया। अब हमें बनाना होता है टेबल दोबारा से, क्योंकि ऑब्टेन करने होते हैं ना हमें फिक्स एंड मूवमेंट जो कि हमारी स्वे के अकॉर्डिंग आती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखो टेबल हमने ये बना रखा है, तो टेबल बनाने से पहले आपको मैंने बताया होगा कि क्या क्या निकालते हैं। सबसे पहले हमारा निकल रहा है देखो के क्या होता है, हमारा स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस होता है हमारा, कॉन्स्टेंट होता है ना, तो के किसके लिए निकलेगा, ए बी के लिए निकलेगा पहले, मतलब बी ए के लिए, क्योंकि बी ए के लिए ए बी एक बार, क्योंकि बी ए के लिए निकले, क्योंकि यही है एक जॉइंट जिसपे दो मेंबर्स अटैच है, ना ही सी पे है ना ही ए पे है, पहले तो सी पे भी होता था ना, क्योंकि इस तरफ लगा होता था कॉलम, तो हमारे चार कुछ निकलते थे, तो सिंपल इस पे लिख गया, तो के बी ए क्या आ जाएगा हमारा, हमारा वो क्या होता है, I/L होता है, I/L मतलब 2I/L, 4 हुआ मतलब I/2 रह गया, ये के बी ए तो हमारा I/2 रह गया। अब के बी हो गया, अब बी सी, अब के बी सी में क्या फर्क है, देखो I/L इंटू 3/4, ये क्यों आया 3/4, ये 3/4 क्यों आया, क्योंकि ये रोलर स्पोर्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जहां पे फिक्स होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि जैसे कि फिक्स स्पोर्ट होती है हमारी, फिक्स पे तो हमेशा हमारा I/L होता है, ठीक है ना, जहां पे हमारा रोलर या फिर हिंज स्पोर्ट होती है वहां पे मेरा I/L तो होता है, लेकिन इंटू 3/4 होता है, क्योंकि 75% यूज होता है, 75% लेना होता है फिक्स का, तो तभी इंटू 3/4 करा है, 3/4, हाँ ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं भी समझ, अभी ये नहीं समझ आ रहा, मैंने पहले भी करवा रखा है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहली वाली वीडियो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे, अकेला मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाता है, I/L इंटू ये, तो हमारा ये कुछ आ जाता है, अगर हम इसे करें तो देखो एल भी हमारा कितना है, 4 है, के बी सी का भी 4 है, ठीक है ना, ये अकेला आई रहेगा, तो देखो I/4 इंटू 3/4 कितना हो गया, ये हमारा 3/16, ये हमारा कुछ हो गया है ना। तो अगर हम इसका सम लें, सम ही लेना होता ना सिग्मा के, तो सिग्मा के हमारा कितना आ जाता है, सिग्मा के हमारा कुछ आ जाएगा, अगर आप प्लस करो 16, तो ये रहेगा 8, 11/16 है ना, 11/16 आई, ये आ गया ना हमारा सिग्मा के।
तो अब सिग्मा के बाद हमारा क्या होता है, मतलब के बाद क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्या, आपको सबको पता ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा कैसे निकलता है। तो जैसे अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर dBA निकालना हमें, तो क्या आएगा kBA अपॉन सिग्मा के। तो kBA कितना हमारा i बाई टू, और ये कितना हमारा 11i/16। इसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, हमेशा पॉइंट्स में करो। तो मैंने इसको पॉइंट्स में करके रखा हुआ है, तो 0. हमारा आता है 0.727। एक बार आप खुद भी करके देख लेना, शायद मेरा गलत हो सकता है। तो ये तो ऐसे हो गया। तो अब डी बी सी भी निकालना है हमें। डी बी सी क्या होगा, के बी सी बाय सिग्मा के। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना आया था हमारा 3i/16 डिवाइडेड बाई 11i/16। ये आपको समझ आ रहा है ना मैंने क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा जगह कम दी तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया, लेकिन आपको तो पता ही है कि डी कैसे निकलता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अब अगर इसे भी करें तो वैसे तो या तो इसे 1 - 0.727 कर लेते फिर भी ये सही आ जाता, ये तो हम चलो ऐसे सॉल्व करें तो हमारा कुछ आ जाएगा 0.273। चलो ये तो हो गया ना, मतलब कि हमने के भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया, हमें फिक्स एंड मूवमेंट्स वे मूवमेंट्स भी पता लग के हमने लेट कर ली, तो हम टेबल आराम से बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं टेबल पे। तो अगर आप टेबल पे देखोगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे मेंबर्स, ठीक है। हमारे जो मेंबर्स आएंगे, ये हमारे मेंबर, ये देखो, ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे आएगा ना कुछ। तो मेंबर हमारा पहले तो हो जाता है देखो ए बी, दूसरा हमारा होता है बी ए, तीसरा हमारा होता है बी सी और चौथा सी बी, ठीक है। ये होता है। अब मेंबर्स के बाद हम क्या लिखते होते हैं, के, है ना। टेबल पे तो एक बार लिखना ही होता है, चाहे के हमारा यहाँ पे यूज होके, यहाँ पे टेबल पे यूज नहीं होता, लेकिन हमें एक बार लिखना तो होता ही है, आपको पता ही है। तो अगर हम के ए बी देखे तो नहीं निकाला हमने, के बी ए निकाला हमने, के बी ए कितना है हमारा i/2, और हमारा के बी सी कितना है हमारा 3i/16, और सी बी का भी निकाला। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया हमारा डी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा डी अगर हम देखें तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, इन दोनों का ही निकलेगा और इसका भी कुछ निकला। तो बी ए का हमारा क्या निकला है 0.727, और हमारा इसका क्या निकला है बी सी का 0.273, है ना। तो ये हो गया ना। अब हमारे यहाँ पे स्वे मोमेंट्स लिखी है, जो हमने एक्जम्पशन करी थी स्वे मोमेंट्स। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, टेबल अपना बनाया हुआ है मैंने, कैसे कैसे एक्जम्पशन करी थी आपको मैंने बता दिया। लाइक 20 करा, आप 10 भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आप यहाँ पे 10 कर लो, 15 कर लो, 25 कर लो, 30 कर लो, वो आप पर है। मैंने 20 करा क्योंकि मुझे बस ऐसे ही मुझे लगा कि चलो 20 ठीक रहेगा, थोड़ा अच्छा सा आंसर बन जाएगा, तो मैंने 20 कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो ए बी के लिए हमारा 20 है, बी ए के लिए हमारा 20 है, और ये भी 0 और ये भी 0, अभी 0 हो गया ना। अब देखो अब इसकी जरूरत नहीं, अब हमें बैलेंस करना है यहाँ पे। अब हम बैलेंस सिर्फ ए की पॉइंट को कर सकते हैं, बी बी बीम को ही करेंगे, बी जॉइंट को। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे कि हमारे इक्विलिब्रियम में 0 होना चाहिए, है ना, इन दोनों का प्लस या इन दोनों का माइनस, प्लस 0 होना चाहिए। तो प्लस 0 तो हो नहीं रहा, प्लस 20 आ रहा, तो हम क्या लेंगे -20। ये आपको मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने अच्छे से समझा रखा है। हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं हम बी। आप देखोगे बहुत ही छोटा आंसर है ये, बहुत 10 मिनट में खत्म हो जाता है ये। वो तो मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ी वीडियो लंबी चली आती है, खुद करोगे ना आप तो फटाफट निकल जाएगा। अब आप देखो कि हमें अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 0.727 से हमें मल्टीप्लाई करना है -20 को। तो साइन वही रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये कितना आया था 14.54। और ये अगर 20 में से या तो ये से माइनस कर दो, या फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आप पर है। तो माइनस कितना आया था 5.46, है ना, यही आएगा ना। अब क्या होता है कैरी ओवर। अब आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले, सबसे जो हमारा स्टार्टिंग लेक्चर था मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी रोलर स्पोर्ट पर हमारा कैरी ओवर नहीं जाता, रोलर पर कभी भी नहीं जाता। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा कैरी ओवर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये नहीं गया कैरी ओवर, तो यहाँ पे हम कैरी ओवर नहीं भेजेंगे क्योंकि सी हमारा रोलर स्पोर्ट है, और ए पे जाना चाहिए, ए बी में ए पे जाना चाहिए। हाँ भाई जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि फिक्स स्पोर्ट में हमेशा जाता है।
रोलर स्पोर्ट में नहीं जाता है कैरी ओवर, हमेशा दिमाग में याद रखना है ये चीज। तो यहाँ पे कैरी ओवर कितने से जाता है हमारा, हाफ से जाता है। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये -7.27, याद रखना ये साइंस लेके चलने हैं। अब देखो कि बैलेंस बी तो हो गया, पर अब इसके बाद कुछ और है ही नहीं बैलेंस करने के लिए, है ना। अब देखोगे कि हमारे पास कुछ और है ही नहीं बैलेंस करने के लिए, बैलेंस बी तो करना था, वो हो गया अच्छे से। तो हम सीधा टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल स्वे मूवमेंट्स कितनी आई हमारी। अगर हम देखो इसको लेंगे और इसको लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको करेंगे तो +12.73, कुछ इतना ही बनेगा ना, 12.73। शायद मुझसे मिस्टेक हो सकती है, मैं अभी फटाफट मन में कर रहा हूँ, तो आप जरूर अपने से कर लेना। तो ये तो इतने में हो गया है ना। तो अब बी ए में चलते हैं, बी ए में 20, और ये इसको नहीं लेना, तभी मैंने रेड पेन से लिखा है, क्योंकि इसको नहीं लेना होता रेड पेन को, क्योंकि गलत, रेड पेन को नहीं लेना, तो ब्लैक वाले को लेना है हमने। अगर हम इसको करते हैं तो +5.46 आ जाएगा, प्लस में आएगा ना, क्योंकि 20 बड़ा है, ये 14.54 छोटा है। अगर आप इसमें देखो तो सिंपली आ गया -5.46, और ये 0। अब आप देखोगे कि हमारी इक्वेशन भी तो यही होती है ना, एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0, क्योंकि बी जॉइंट पे हमेशा इक्विलिब्रियम पे 0 होना चाहिए, और वही तो आ गया। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि हमने सही कर रहे हैं हम क्वेश्चन, हमारा कोई गलत नहीं है। अब अगर मैं आपको अगला स्टेप दिखाऊं हमारा क्या होता है, हमारा स्टेप 4 में क्या होता है, कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ एस डैश, मतलब कि एस अज्यूम्ड और एस न्यू निकालना होता है फ्रॉम फिक्स एंड मूवमेंट सेकंड। तो ये हमने फिक्स एंड मूवमेंट सेकंड ही निकाला ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट टेबल तो बना ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट्स लगे नहीं, ये हमने लेट कर लिया, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ये एस, अब हमें एस न्यू निकालना है, ठीक है ना। अब एस न्यू हमारा कैसे निकलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें एस न्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती है, देखो एच डैश एच ए ले लेते हैं, लेट एच ए प्लस एच डी है ना प्लस एस इक्वल टू 0, ये हमारा एस न्यू होता है। हम डायग्राम में चलें तो अगर हमें स्वे रोकना है तो हमें एस डैश लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो अब आप देखो ये इधर को एच ए गया, एच ए डैश ले लेते हैं, एच ए ले लेते हैं, चलो एच ए लिया तो एच ए ले लेते हैं। तो अब ये तो हमारा ये हो गया ना, अब जो एस न्यू लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि ये इधर को स्वे करा रहा, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए भी एस आप देख सकते हैं कि 12 ऑपोजिट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लगा ही हुआ ना, तो हमें एस न्यू भी हमारा कुछ यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा। तो अब एच ए डैश लेते हैं, तो देखो एच ए लिया, अब एच डी की बात करें हम, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम स्वे फ्रेम में कराया था कि अगर एच डी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एक और फ्रेम नहीं है, तो हम एच डी को 0 लेंगे, ना कि हम सी को ले लेंगे एच सी पे, चलो नहीं एच डी 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया एच डी, तो हम एच ए करेंगे। अब एच ए कैसे निकलता है वो आपको सबको पता ही है, हमने याद करा होता है, हमें एच ए की वैल्यू पता होती है। पेन किधर गया, एच ए का हमारा होता है, चलो इससे करते हैं हम, एच ए का हमारा होता है देखो एच ए इक्वल टू -MAB +MBA। ये आपको पता नहीं एच ए कैसे आता है, अगर नहीं आता तो आप इंट्रोडक्शन टू स्वे फ्रेम्स की वीडियो भी दे सकते हैं, या फिर इसी की जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी हमने पुराना कराया था ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन था जो, या तो फिर आप वो दे सकते हैं। तो अब हम करते हैं, अब ये हो गया ना, अब डिवाइड बाय हमारा होता है एल होता है, एल हमारा इसमें क्या है, देखो एल ऑफ ए बी लेंगे हम तो 4 होता है, ठीक है ना। तो अब ये आ गया हमारा यहाँ पे 4, एल इक्वल टू 4 है ना, चलो ठीक है बाद में देखते हैं। तो अब इक्वल टू करें हम, देखो माइनस, अब एम ए बी हमारा टोटल क्या है 12.73 प्लस एम बी ए प्लस 5.46, ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय एल, एल हमारी कितना है 4। तो अब आप देखोगे तुम्हारा एच ए कितना आ गया माइनस ऑफ 4.6 किलो न्यूटन, ठीक है ना, ये आ गया ना हमारा एच ए, तो ये आ गया। अब हमें इक्वेशन में दोबारा से जाते हैं, तो एच ए प्लस एस न्यू इक्वल टू 0, तो एच ए की वैल्यू हमारी -4.6 है, एच डी कुछ है नहीं, तो एस तो वही हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा तुम्हारा। मैं अगर पेन चेंज करके लिखूं तो हमारा एस न्यू क्या होता है
4.6 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब ये तो हमारा एस न्यू भी निकल गया, हमने देखो इसमें एस एक्चुअल भी निकाल लिया था। तो हमारा इसके बाद का स्टेप क्या होता था, मैंने लिखा हुआ आपको दिखाता हूँ मैं। हमारा नेक्स्ट होता था हमारा करेक्शन फैक्टर निकालना। तो हम इसका करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। तो करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, एस न्यू एस एक्चुअल सॉरी एस एक्चुअल अपॉन एस न्यू। तो हम यहाँ लिखते हैं करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए एस न्यू एस एक्चुअल सॉरी एस एक्चुअल अपॉन एस न्यू। थोड़ी सी गलती मुझसे भी हो जाती है बोलने में, तो आप प्लीज उसको अवॉइड करें, ऐसे ना समझे कि सर को कुछ आता ही नहीं। तो अब हम एस एक्चुअल, अब एस एक्चुअल हमने निकाली तो क्या ही मतलब दी हुई थी एस एक्चुअल हमारी जो कि थी हमारी 12। तो एस एक्चुअल हमारी होगी 12 अपॉन एस न्यू, ये निकाली हमने 4.6। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारी प्लस आती है 2.60, 2.60 या 2.6। तो ये आ गई ना। अब हमें क्या करना होता है, अब आपको पता ही है फाइनल एंड मोमेंट्स निकालने के लिए हमें, फाइनल एंड मोमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले तो करेक्टेड निकालते हैं करेक्शन फैक्टर से। हम फिक्स एंड मोमेंट्स सेकंड निकाल लेते हैं ना करेक्टेड। तो फाइनल एंड मोमेंट्स होती है फाइनल एंड मोमेंट्स वन, फिक्स एंड मोमेंट्स वन प्लस फिक्स एंड मोमेंट्स सेकंड करेक्टेड। तो फिक्स एंड मोमेंट्स वन हमारी तो यहाँ पे आई थी जीरो, देखो। तो मतलब सिर्फ यही चीज रहेगी हमारी, सिर्फ यही चीज जो कि हमारी ये करेक्टेड आएगी जो कि हम अभी करेक्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि हमने यहाँ पे करेक्शन फैक्टर लगा देते हैं, लेट ये हमारा यहाँ पे करेक्शन फैक्टर हमारा आ गया 2.60, ठीक है ना। अब हम करेक्ट करके ये चीज यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप देखोगे तो अब इससे हम करेक्ट करेंगे 2.60 से सब मल्टीप्लाई होगा, ये सारी चीजें 2.60 2.6 से मल्टीप्लाई होगी, वही हमारा करेक्टेड आ जाएगी फिक्स एंड मूवमेंट्स पार्ट टू, ठीक है ना। ये पार्ट टू है फिक्स एंड मूवमेंट सेकेंड। तो अब आप देखोगे मल्टीप्लाई करा तो 33.09 आ जाएगी इसकी, प्लस में आएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। इसकी हमारी आ जाएगी प्लस 2.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी तो बड़ी आएगी ना वैल्यू, तो 14.19। इसकी माइनस में 14.19 आ जाएगी भी सेम है, और इसकी तो जीरो रहेगी। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी आंसर है फिक्स एंड मूवमेंट्स का, हमारा फाइनल फिक्स एंड मूवमेंट्स है ये, फाइनल फिक्स एंड मूवमेंट्स ये चीज है हमारी। देखो बहुत ही छोटा आंसर था ना, फटाफट खत्म हो गया, देखो 2 पेज में खत्म हो गया, सिर्फ यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म। अब देखो कि आप बहुत ही इजी था, मतलब कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कोई क्वेश्चन शायद बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो आपको डरना नहीं है, ना ही किसी को बोलना है कि यार बहुत मुश्किल आता है यार मैं नहीं करूंगा पेपर के लिए। आपको जरूर करके जाना चाहिए, और ये बहुत ही ईजी होता है। जैसे मेरे पास मैसेजेस और कमेंट्स बहुत आए कि ये बहुत मुश्किल है, तो अब आप देखोगे बहुत ईजी भी है, तो मतलब डरने की जरूरत नहीं अभी से। अब आप देखें कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो हमारा निकालना होता है एसएफडी और बीएमडी, कहीं कहीं निकालना होता है, कहीं जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि सर तो हमें कुछ सिखाते हैं ढंग से। तो फिर हम पहले ये ऐसे बना लेते हैं, देखो ए बी सी यहीं पे बना के दिखा रहा हूँ मैं, ये ए बी सी हो गया। तो आप देखो कि हमारा ए का पॉजिटिव में लगा है, पॉजिटिव मूवमेंट है ना हमारी, पॉजिटिव हमारी जाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ कोई तो 33.09, ठीक है ना। अब हमारी BA के लिए प्लस 14.19 है, तो मतलब कि हमारी ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो ये जाएगी ऊपर को, तो ठीक है ना, ये हमारी ऊपर को गई यहाँ पे 14.19, ये हो गया ना। अब हम इसे ये इधर जाएगी, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि BC के लिए भी एक इधर को जाएगी, है ना, ये इधर को गई ना BC वाली, और एक इधर जाएगी ऐसे, तो ये 14.19 ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे हो गया ना। 14.19 तो सेम ही है ना दोनों में, देखो 14.19, और ये तो है ही जीरो। तो आप देखोगे तो हमें यहां से सीधा ये ऐसे भेजना है ना, क्योंकि 33.09 से 14.19, और यहां से ये जीरो, ये ऐसे जीरो पे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना वैल्यू। तो ये हमारा SFD प्लस BMD बनता है, शेयर फोर्स डायग्राम प्लस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्योंकि अब इस पे आप देखोगे कि बेंडिंग मोमेंट इसलिए नहीं बनेगा, ये सिर्फ शेयर फोर्स है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट में हमारे यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लगी, मतलब कोई लोड ही नहीं लगा हुआ, ये तो जॉइंट पे लगा तो इसका नहीं बनेगा। तो
तो ये हमारे बहुत ही इजीली ये बन गया। तो ये था हमारा ये आज का ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इजी था ना एनालाइज वे फ्रेम यूजिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पहले जो हमने करा था कितना मुश्किल था और ये कितना इजी है। अगर आपको ये अच्छा लगे जो मैंने पढ़ाया तो प्लीज सब्सक्राइब करें सिविल इनसाइड को और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ये वीडियो। उनको भी बताएं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं तभी आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।